गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू लेक्चर नंबर 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आई एम राकेश कुमार कंटिया, योर फिजिक्स एजुकेटर और लेक्चरर। देखो, आज हम डिस्कशन करिवा हमर जो फिजिक्स रो फर्स्ट चैप्टर अछि, सेकंड रो फिजिक्स रो, सेटा तमर होला इलेक्ट्रोस्टैटिक। ताला हम से इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर अछि, एटा ला इंट्रोडक्टरी आईडिया। ए चैप्टर को पसिया पहले कोन-कोन सो नॉर्मल जिंस अछि आमको पढ़ा पड़ो। देख गोटे हेडिंग लिखी इलेक्ट्रोस्टैटिक, आम चैप्टर ना हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक, वी हैव टू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रो फिजिक्स। देख फर्स्ट, इलेक्ट्रो फिजिक्स इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, वन इज द इलेक्ट्रो एंड अदर वन इज द फिजिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स हूँ चार्ज, इलेक्ट्रो मीन्स हूँ चार्ज, तमाने चार्ज रिलेटेड फिजिक्स यानी चार्ज रिलेटेड इंटरेक्शन की चार्ज रिलेटेड फेनोमेना को वह जो इलेक्ट्रो फिजिक्स, तमाने इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ अ चार्ज एंड दैट इंटरेक्शन और देयर फेनोमेना। तमाने जो चार्ज अछि, चार्ज कांसेप्ट, चार्ज एक्चुअल केमिति क्रिएट हो जी, चार्ज कोट आसुची, तो चार्ज को बोले कौन टा हम एक बेसिक आइडिया अबाउट चार्ज आ तर प्रॉपर्टीज को नहीं इलेक्ट्रो फिजिक्स से कंसिस्ट हो जी। तब रे इलेक्ट्रो फिजिक्स अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज द इलेक्ट्रो स्टैटिक एंड अदर इज द इलेक्ट्रो डायनामिक्स। देखो, इलेक्ट्रो स्टैटिक इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, वन इज चार्ज, वन इज इलेक्ट्रो एंड अदर वन इज स्टैटिक। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जोटा के हमर बेसिक चैप्टर हो जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहले चार्ज एट रेस्ट। सिमिलरली तो सेकंड वन इज इलेक्ट्रो डायनामिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स हो जी चार्ज एंड डायनामिक्स मीन्स हो जी मोशन। त माने इलेक्ट्रोस्टैटिक कहले इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रो फिजिक्स व्हिच डील्स अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। त माने जदि तमर चार्ज पार्टिकल्स टा रेस्ट थिबो, ता विषय जो फिजिक्स तमे पढुछो त ओका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, आ जदि चार्ज टा हमर मोशन थिबो, त माने चार्ज टा फ्लो करतुबो, ता रिलेटेड फिजिक्स टा ओका जो इलेक्ट्रो डायनामिक्स। क्लियर हेला? तो चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट मोशन, चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तो रेस्ट कहले कौन? रेस्ट कहले स्थिर। तमान इफ द मन कर मु कहि ना मु ए जगह रेस्ट हो, ए ग्रीन बोर्ड ए जगह रेस्ट हो, तमान इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज रेस्ट। तमान टाइम चेंज हो जे कि मो बॉडी रो पोजीशन ए जगह रहछ, तो मुले रेस्ट। जदि मोशन हो कहले कौन? जदि पोजीशन गुटे बॉडी रो पोजीशन द टाइम रिस्पेक्ट चेंज होबो, जदि मोर पोजीशन द टाइम रिस्पेक्ट चेंज हो जे मतलब कह जुवो मोशन। ताहले चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तेणु आम कोर्स रो जो 50% अछि, कोर्स रो 50% होजी ए इलेक्ट्रो फिजिक्स। आमे टोटल कोर्स रो 50% कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रो फिजिक्स, जो थरे इलेक्ट्रो चार्ज कांसेप्ट रहला, आ इलेक्ट्रो डायनामिक्स रे तो मैग्नेटिज्म चैप्टर पर डिस्कशन करियो। एबे देखो, जहां कोना कहै कि आमे बहुत पढ़िया मैटर्स। देखो, मैटर्स कहले कौन? जब तुम कहो पदार्थ, मैटर्स कहले कौन? ना एनीथिंग व्हिच हैव सम मास और इनर्शिया एंड ऑक्युपाई सम फिजिकल स्पेस। से कहो जे जहार किछ ना किछ मास थिबो, अर्थात तार किछ इनर्शिया थिबो, मान तार किछ वस्तुत्व थिबो, आ तुम ताकू रखिले से किछ फिजिकल स्पेस को अख्तियार करथिबो। आ नॉर्मली मैटर, देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर फाइव स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैस, प्लाज्मा एंड बोस कंडेन एंड बोस कंडेंसेशन और बोस बोसन पार्टिकल्स। तो ये भीतर आप अगर मुख्य तीन टा है, लग उधर ला सॉलिड्स, लिक्विड और गैस। बाकी जो डेटा पहले प्लाज्मा और बोसन और जो बोस आयर बोस आयरसन से डेटा बिस्तर पर बढ़ो हाई कॉन्सेप्ट। आम जो सॉलिड्स कहले कौन? ना सॉलिड्स कहले आटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर ऑर्डरली अरेंज और टाइटली बाउंडेड। लिक्विड्स कहले टिके कम बाउंड हो जीवो, गैस कौन अच्छे ना आटम्स और मॉलिक्यूल्स अच्छे भितर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस केस बहुत कम था। सब अधिक था कौ के सॉलिड केस रे दैन लिक्विड, आ सब कम हो गैस केस रे। तो जहाँ भी होना कहीं से सॉलिड्स लिक्विड गैस जहाँ भी होना कहीं सब जगह आटम्स की मॉलिक्यूल्स या देखो आटम्स को मॉलिक्यूल्स या तब जो ताकू भांगे
ताको हैंडल तुमको जहां मिलबो सब पर सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखा जो एटम्स कहले कोन एटम्स बा परमाणु कहले कोन से कहो तुम तो एलिमेंट्स को भांगीबो ताको तो ब्रेकअप करबो सेवरल पार्ट कर कर चलिबो एमि तो गुटे पार्ट रे पहुचिबो जहां को तुम फर्दर डिविजिबल कर पारिबो नाही फर्दर डिविजिबल कर पारिबो नाही तब पहुचबो एटम्स ला एटम्स ऑफ परमाणु कहले कोन इट इज द स्मॉलेस्ट सबुटा छोटो हेतिबो द स्मॉलेस्ट सबुटा छोटो बोले तमे ताको आउ डिविजिबल करि पाइबो नाही तानला इंडिविजिबल ला कोना इंडिविजिबल त सबुटा छोटो माने स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल माने अविभक्त कणिका को वाजबो कोना परमाणु कहजबो खाली द लगे द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम्स तापर देखो ए थॉमसन कहितले तापर तुम सब पढ़ तो क्लास 9 ते थॉमसन एटॉमिक मॉडल और फूड एटॉमिक मॉडल बोर्स एटॉमिक मॉडल सो पढ़ाई तो क्लास 9 रे आमे मन सब विषय पढ़िबा देखो जत मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप होय जायला जत बळे नुवा नुवा इंस्ट्रूमेंट आसला साइंस टेक्नोलॉजी टिक आउट ज्ञान कौशल बढ़िला सत कहले ना सबुठन स्मॉलेस्ट पार्ट एटम सही पार्क नाही एटम्स तो भांगिले मध्य आहुरे स्मॉलेस्ट पार्ट अछि जहां को लेके जे एटम्स को भांगिले जहां मिलबो त कहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को देखा जाए ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स देखो तापर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भीतर तो कांसेप्ट आसु जे न्यूक्लियस देखो जो न्यूक्लियस भीतर कोन थाए ना तब सब जान जे जो न्यूक्लियस भीतर केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होय बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स ता अछि से इलेक्ट्रॉन्स ता न्यूक्लियस भीतर रहे नाही इलेक्ट्रॉन्स ता कोन होय ना इलेक्ट्रॉन्स ता न्यूक्लियस रो चार पटे रिवॉल्व करे जहां विषय के डिटेल्स हम नेक्स्ट जतले एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेबी सेतले हम तुम कहिबो ता माने रे सब एटॉमिक पार्टिकल्स दीटा कथा हला गुटाला आउटसाइड न्यूक्लियस माने न्यूक्लियस बाहर किए न्यूक्लियस बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहुची आ गुटा इनसाइड न्यूक्लियस त माने न्यूक्लियस भितरे के अछि माने न्यूक्लियस भितरे दीटा पार्टिकल्स होला गुटाला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एमति अनेक पार्टिकल्स अछि आमे केनु तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल्स जानि छथि तीनटा मुख्य कणका जानि छथि गुटाला इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स साता माने नुहे जे सब एटॉमिक पार्टिकल्स कले तीनटा सब एटॉमिक पार्टिकल्स कले इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स पॉजिट्रॉन फोटॉन आयो आइसोस्ट्रीन बीटा स्ट्रीन न्यूट्रॉन एमति बहुत कायोन पायोन एमति बहुत पार्टिकल्स अछि से भीतर पुने मुख्य बा फंडामेंटल पार्टिकल्स तीनटा रहला गोटे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन्स आ न्यूट्रॉन्स रहइबो ता बाहर के रिवॉल्व करइबो ता बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करइबो एबे देखो आमे कांसेप्ट में आसीबा जे चले जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होला या विषय के जान बेसिक आईडिया पढिबा देखो हमकू रदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल त मन पकाओ जो क्लास 9 रे पढिबो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मन कर हम गुडे जनरल एलिमेंट ते नउ छी गुडे जनरल एलिमेंट गुडे जनरल एलिमेंट नउ छी त जे एक्स जेड ए देखो पहले जेड कहले कौन जेड कहले एटॉमिक नंबर जेड कहले एटॉमिक नंबर जहां को हम तोड़ा लिखा जाए आउ ए पे कहले कौन ना ए कहले एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास नंबर गुड एग्जांपल नो होची जदे एग्जांपल नो होची मन को एग्जांपल नो सोडियम नो होची सोडियम रो एटॉमिक नंबर 11 तमन जेड ताला 11 सोडियम रो मास नंबर 23 amu बा 23 u u कहले यूनिफाइड यूनिटी बा amu कहले एटॉमिक मास यूनिटी त एटॉमिक नंबर को तळे लिखा जीवो एटॉमिक मास को ऊपर लिखा जीवो एमति तेरछा लिखा जीवो जेंते लिखि जी नहले किछि बहुत त मध्ये एमति मध्ये लिखि जी सोडियम 11 23 एमति मध्ये लिखा जाई पारिबो त रदरफोर्ड कहले कोन रदरफोर्ड कहले एन एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आमे जान छथि जे आमे जो तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल्स होला जो तीनटा फंडामेंटल पार्टिकल्स होला गोटे हा किए ना इलेक्ट्रॉन्स होला आ गोटे की होला ना प्रोटॉन्स होला आ गोटे की होला ना न्यूट्रॉन्स ए देयर आर थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ए तीनटा ला मुख्य करिया इलेक्ट्रॉन्स को के डिस्कवर करतला ना इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करते जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर करतले प्रोटॉन को के डिस्कवर करतले ना ई गोल्डस्टाइन प्रोटॉन डिस्कवर करते ई गोल्डस्टाइन देखो प्ले ई स्टैंड्स फॉर यूकेन यू स्टैंड्स फॉर यूकेन गोल्डस्टाइन से द न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करते ना द न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर करते के ना जेम्स चादुरी के डिस्कवर करते ना जेम्स चादुरी डिस्कवर करते आ गोटे कथा प्ले इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज जटा केते ना 1.6 * 10 टू द पावर -19 कूलम देखो प्ले सी कहले कूलम
कूलम जे की हो जे चार्ज रो एसआई यूनिट आ इलेक्ट्रॉन सा नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली माइनस आ गोटे कथा इलेक्ट्रॉन्स रो जहा चार्ज प्रोटॉन रो सेया चार्ज किंतु प्रोटॉन ता पॉजिटिव चार्ज तो कि +1.6 10 टू द पावर -19 कूलम बाकी न्यूट्रॉन ताला कोन ना न्यूट्रल चार्ज न्यूट्रॉन ताला न्यूट्रल चार्ज ता माने मैग्नीट्यूड होची केते ना जीरो बाकी इलेक्ट्रॉन मास केते तक पर इलेक्ट्रॉन मास ता हम तो सब जानि छो जे 9.1 10 टू द पावर -31 केजी सब तो हल्का -31 केजी प्रोटॉन मास हो जे एमपी ताला 1.673 10 टू द पावर -27 केजी और न्यूट्रॉन मास था हो जे एमपी कॉस्ट 1.675 10 टू द पावर -27 देखो ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का पाखा पाखी समान मास होची ये 1.673 10 टू द -27 केजी हो यार इटाला 1.675 टिके अधिक मास होची त सब तो हल्का हो जी के ना इलेक्ट्रॉन्स त हम जाने इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज जति के प्रोटॉन चार्ज जति के तो रदरफोर्ड कहले कोन रदरफोर्ड कहले एन एटम कंसिस्ट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस गुटे एटम भीतर जेतिकडा पॉजिटिव चार्ज थाए सेतिकडा नेगेटिव चार्ज थिवो आ सेइटा तरह एटॉमिक नंबर से तो समान हो त माने मु जदि कहिबि जे सोडियम रो एटॉमिक नंबर 11 गुटे एलिमेंट रो जेतिकि एटॉमिक नंबर थाए सेइतिरे सेतिकि संख्या रे इलेक्ट्रॉन्स थाए आ सेतिकि संख्या रे प्रोटॉन्स थाए त जेतु सोडियम रो एटॉमिक नंबर होची 11 जेतु एटॉमिक नंबर 11 तो सोडियम केस रे 11 टा इलेक्ट्रॉन्स थिवो आ 11 टा प्रोटॉन्स थिवो काकि ना एई एटम्स ता होची इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल अर्थात जदि न्यूट्रल ता काकि ना मैं आपन किछ आयन प्लस कि माइनस सिंबल देइनी त हम जेतु सिंपल लेखि छी नॉर्मल ता एटा लगे न्यूट्रल एटम न्यूट्रल मींस जति किटा इलेक्ट्रॉन्स दिबो सेति किटा प्रोटॉन्स दिबो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ सेइटा तरह एटॉमिक नंबर से समान हो त माने सेटा होची 11 तोला देखा जाय छी बाकीला एक वाला एटॉमिक मास नंबर देखो एटॉमिक मास नंबर त केते अछि ना 23 अछि एक वाला एटॉमिक मास नंबर 23 ता नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स केते देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फार्मूला केते ना एटॉमिक की मास माइनस एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ला 23 माइनस एटॉमिक नंबर ला 11 तो ए जागरे 12 टा प्रोटॉन 12 टा न्यूट्रॉन्स अछि एबे तोम पाई असाइनमेंट हला तोम पाई कोन टास्क तमे वेब टास्क करी मत पठेइबो जतन बुझि पाड़ के पठेइबो तो पै असाइनमेंट हला टास्क ला कोन टास्क तो मत देखेइबो एल्युमिनियम रो एल्युमिनियम जार आइडेंटिटी होजे 1327 यार एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर केते मास नंबर केते इलेक्ट्रॉन्स केतरा अछि प्रोटॉन्स केतरा अछि और न्यूट्रॉन्स केतरा अछि रे बाहर करू से आउ गुटे दउची एटा फर्स्ट बिट आंसर सेकंड बिट दउ जा गुटे से मिले मैग्नीशियम आइडेंटिटी 1224 यार भी एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स सब केते त मते बाहर करू आ करी के एही नंबर को पले व्हाट्सएप करबो 9776076869 राकेश सर एही नंबर को तुम कौन करबो ना व्हाट्सएप करबो एही नंबर पे तुम व्हाट्सएप करबो आंसर लिखि करी एल्युमिनियम 1327 मैग्नीशियम 1224 एटॉमिक नंबर मास नंबर इसे बाहर करी एही नंबर तुम कौन करबो व्हाट्सएप करबो ये पे तोटा बेसिक आइडिया इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स आउ न्यूट्रॉन्स एबे देखो हम जो कहि सब बेले जो कहू जी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रो मींस जो चार्ज दिला एक्चुअली चार्ज कहले कोन इलेक्ट्रो माने चार्ज कांसेप्ट का कहले कोन एक्चुअली चार्ज का कवर आसु जी ए चार्ज कहले कोन हम का विषय डिटेल स्टडी करबा त एक्चुअली चार्ज कहले कोन सेटा हो जी देखो पहले चार्ज जो पड़े इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का पड़ा फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी तो पहले फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहले कौन फर्स्ट बुझो तो इलेक्ट्रिसिटी कहले कौन वैद्युतिक शक्ति कहले कौन इलेक्ट्रिसिटी कहले कौन ना देखो जब तुम दीटा ऑब्जेक्ट को रब करबो फ्रिक्शनल कहले कौन कि फ्रिक्स साइज घर्षण
जत्ते बल तुम दीटा ऑब्जेक्ट को रॉब करिवो माने खसिबो सही जगह रे गुटे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होए गुटे जो इलेक्ट्रिक फोर्स टा गुटे अट्रैक्टिव फोर्स फॉर एग्जांपल मन कर मु गुटे पेंट नेबि नॉर्मल गुटे पेंट नेबि नुखुरा चुट्टी कहले जो चुट्टे तेल लागि नथिबो मु तोटे पेंट को मो चुट्टी सत खसिबि देखिबो से छोटो छोटो कागज टुकड़ा कोन करिवो अट्रैक्ट करिवो तमान ये हैला गुटे बॉडी चुट्टी ला गुटे बॉडी जेत मु दीटा को रॉब करछु घसुची सेतबळे एही भितरे गुटे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होउची गुटे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होउ सॉरी जेतबळे दीटा ऑब्जेक्ट को तमे घसिबो सेही जगह रे गुटे इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होउची गुटे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होउची जे की ये छोटो कागज टुकड़ा तमान लाइटर ऑब्जेक्ट लाइटर कला हल्का पार्टिकल्स को कम करे अट्रैक्ट करे ताले द प्रॉपर्टी बाय वर्चू ऑफ व्हिच टू ऑब्जेक्ट आर रॉब्ड टुगेदर ए इलेक्ट्रिक फोर्स इज डेवलप व्हिच अट्रैक्ट द लाइटर ऑब्जेक्ट जेतबळ दीटा ऑब्जेक्ट को घसा जीव रॉबिंग करा जीव सही जगह रे गुटे इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप हबो जे कि लाइटर पार्टिकल्स गुडा को करबो अट्रैक्ट करबो जेतु ताको कहा जीव जेतु घसी हला बुलता कहा जो फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी स्टैटिक मींस होजी रेस्ट तमन एई जगह जो चार्ज रा क्रिएट होजी सेरा कोन होबो ना रेस्ट रे होबो ताले घर्षण फल रे जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होला जे के लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कला तो कहा जो फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ठीक है प्ले आ प्ले यार एप्लीकेशन कोन यार जो डेड लाइट रा एप्लीकेशन कोन देखो प्ले स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मींस कोन स्टैटिक फल रेस्ट हम चैप्टर ना कोन की इलेक्ट्रोस्टैटिक तमन एई जाला इलेक्ट्रोस्टैटिक ताले रे यार इलेक्ट्रोस्टैटिक रा एप्लीकेशन कोन इट इज यूज्ड इन रडार सिस्टम देखो प्ले रडार कहले कोन हम जो सैटेलाइट रे गुटे डिवाइस तो अछि जान हला रडार जहर कामटा कोन माने कामटा होजी ई एक्चुअली जानि पालिबो जत पाग माने वर्षा केतबळ होबो कि तो पाग केमती अछि केत दिन परे माने जे देबे रिसेंटली बात्या गला अम्फान तरा केत दिन परे आसुजी ओडिसा केतबळ टच करिवो माने ताको जे जानि परछ एक्चुअली पानी पाग इन्फॉर्मेशन दउथिबो बा वेवलेंथ एम्प्लीट्यूड ए सब जे मापी पाडथिबो त कहज रडार आउ ब्लैक आउ को यूज कर जे ना हमर कैथोड रेस टीवी पछ पड जब पे रेस अछि जहां पर टीवी टा लागे से कैथोड रेस रे मथ या को यूज कर जे बाकी हम जो जेरॉक्स मशीन कोड छ देखो प्ले जो पेपर टा मु जेरॉक्स करू जी से तो देखियो लाइट प्ले हम ब्लू को लाइट पास हुए पास हे गेला इलेक्ट्रोस्टैटिक त माने इट इज यूज्ड इन कॉपिंग फॉर जेरॉक्स मशीन कॉपिंग फॉर जेरॉक्स हम जो कॉपी करे अपन को जेरॉक्स करे अपन हम या को यूज करथांती तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द मुझे देख पे तुमको ये जो नोट्स दे देवी तुमको जो नोट्स देवी तुम देख से नोट पाखापाखि 53 पेज अच्छी तुम प्रथम 30 पेज लिख नोट्स का 30 पेज रो 48 30 पेज रो 48 पेज पर लिख तुम पेज नंबर 1 रो 30 पर लिख बुझे प्ले ये जो पीडीएफ टा 53 पेज अच्छी तुम 30 रो 48 पेज पर लिख पेज नंबर 1 रो 30 पर लिख आगो एटा लेखियो पिले इलेक्ट्रोस्टैटिक तापर एटा इलेक्ट्रिक फील्ड आछि बाकी जो उटा के जो पहिरु गुडे जेरस कर दे स्कैन कर जी से तम लेखिबो नाही जदि किछु तमको असुविधा न लेखि न पारले त पिले मते एही नंबर रे व्हाट्सएप कर पालियो जदि किछु असुविधा होछि एबे पिले पढिबा कि होला तमरो पिले एप्लीकेशन एबे पूरा चार्जिंग सीरीज देखो पूरा चार्जिंग सीरीज कहले कोन आमे जो कहले जे दीटा ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन करबा दीटा ऑब्जेक्ट को हम घसीबा देखो जतो दीटा ऑब्जेक्ट को घसु छी सेतबे गोटा हो पॉजिटिव चार्ज आ गोटा हो नेगेटिव चार्ज त कथा हो जे कोटा हो पॉजिटिव चार्ज आ कोटा हो नेगेटिव चार्ज देखो पहिले डिफरेंस कर छी ऑल द डिफरेंस फ्रॉम द वर्क फंक्शन ऊपर डिफरेंस कर छी देखो पहिले वर्क फंक्शन कहले कोन ना वर्क फंक्शन कहले इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर व्हिच एन इलेक्ट्रॉन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर व्हिच एन इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड फ्रॉम द मेटालिक बॉडी एटा एमिटेड सर्वनिम्न एनर्जी जहां फल रे कि गोटे मेटालिक बॉडी रे इलेक्ट्रॉन सुडा को एमिशन हे पारे मान लो फॉर एग्जांपल रे मेटालिक बॉडी तो अछि गोटे सिंपल रे मेटालिक बॉडी तो अछि मोर कोन अछि ना एबि इलेक्ट्रॉन्स को एमिटेड करे अछि तो मु तो समथि मन मन होबल ना या पर मु किछि एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करबि तो ए जो एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाई करलि मन कर मु 20 जूल एनर्जी अप्लाई करलि देखि जे इलेक्ट्रॉन्स गुडा को एमिशन हे पारु ना 21 जूल एनर्जी अप्लाई कर तथापि इलेक्ट्रॉन से मिशन हला नहीं किंतु जब हम 22 जूल एनर्जी अप्लाई करले देखे जे इलेक्ट्रॉन से मिशन हला ता माने सबुत मिनिमम एनर्जी के लगा 22 जूल ए जो 22 जूल रे जो इलेक्ट्रॉन का को एमिशन हला ए मिनिमम एनर्जी को हाजा वर्क फंक्शन आ जहां वर्क फंक्शन कम से
सेत अधिक इलेक्ट्रॉन्स को से फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन करिवो त देख पले मोर चार्जिंग सीरीज करछि 4 फ्ला ग्रामी उसी को 107 4 फ्ला ग्रामी उसी को 107 4 कले 4 ओडिया में होची पशुलुम फ्ला कले फ्लानेल नरम जो कॉटन रहला ग्ला कले ग्लास एमआई कले माइका अफ्र ऑल सिल्क कॉटन और एक कले अंबर गुटे 18 जिंस रेजिन ये भी गुटे 18 जिंस एम कले मेटल्स बाकी सो सल्फर रबर सेलुलॉइड एंड एबोनाइट्स तो कथा जे जो चार्जिंग सीरीज में काहे लिखी छी देखो पहिले आपको एमिट तो ऑर्डर लिखा है जी जे तमे भी तो जे कोन से दिटा ऑब्जेक्ट को रब करो जोटा फास्ट आसीबो से सेटा हो पॉजिटिव चार्ज है काहे कि ना से इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन करबो जे इलेक्ट्रॉन्स को लिबरेट करे से निजे कोन जो पॉजिटिव है जो फॉर एग्जांपल मन को सोडियम वाला एटॉमिक नंबर 11 एते 11 का नंबर इलेक्ट्रॉन्स हो छी त माने 281 इलेक्ट्रॉन्स ला प्रोटॉन्स रे दिला 11 का तो जे तोले गुटे इलेक्ट्रॉन्स पळेबो बाकी आ केते इलेक्ट्रॉन्स होइबो ना 10 टा इलेक्ट्रॉन्स होइबो किंतु प्रोटॉन्स केता अछि 11 प्रोटॉन्स अछि त माने इलेक्ट्रॉन चार्ज जहां नेगेटिव प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव कि से मैग्नीट्यूड जहां पर कि जाय गुटे इलेक्ट्रॉन लॉस अछि और बिहेव लाइक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट ले इलेक्ट्रॉन्स अभाव तले से पॉजिटिव चार्ज बिहेव करबो तो ए भीतर तुम जे कोन से तरीका को प्ले आनो से भीतर जो प्रथमे आसीबो सेटा हो पॉजिटिव चार्ज है और सेकंड हो नेगेटिव चार्ज है काहे कि ना याकू एमिति सजेंगे रूप में रखाई छि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वर्क फंक्शन नोट एग्जांपल प्ले जनता साल में ग्लास आउ रॉड को रब करबी ग्लास आउ रॉड ग्लास आउ रॉड ग्लास रॉड आउ कहा को रब कर अंबर जनता साल में ग्लास रॉड आउ अंबर को रब करबी तले ग्लास का कोन हो अंबर का कोन हो देखो पहले तो व्हेन ए ग्लास रॉड इज रॉड विथ एन अंबर देन ग्लास इज पॉजिटिव व्हाइल अंबर इज नेगेटिव काहे कि ग्लास तो फास्ट आसु जी काहे कि जदी जने क्वेश्चन पछे काहे कि ग्लास तो पॉजिटिव वाला काहे कि ना यार वर्क फंक्शन कम माने ये जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन करबो ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन करले पॉजिटिव और अन्य पक्ष ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करबो आ जे इलेक्ट्रॉन्स गेन करसे नेगेटिव आ जने का साथ मु अबे हसे भी कहा को ना गसिबी कॉटन सहित मुन गसिबले कहा एबोनाइट देखो सर मु एबोनाइट सहित फोर को रब करबी तले एबोनाइट कोन हबो देखो एबोनाइट कोन आसु जी सीरीज ऑफ फोर के एबोनाइट तो एबोनाइट हबो नेगेटिव फोर हबो पॉजिटिव तो दिस आर द एग्जांपल तो कंपाइन टैक्स कोन कंपाइन टैक्स हला जदि गुटे सेलुलॉइड को ओल सहित रब करा जाए सेलुलॉइड को ओल सहित रब करा जाए त सेलुलॉइड को चार्ज हबो और ओल्टा को चार्ज तो बाहर करबो जाने पर टैक्स सेलुलॉइड को ओल्ड से तो घसिबो त सेलुलॉइड को चार्ज और ओल्टा को चार्ज मारम भर कह जे सीरीज जे प्रथम आसु से पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज ड्यू टू काहे कि ना वर्क फंक्शन जुड़ ठीक अछि थैंक यू।